गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम बीए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं उद्योगों का, ठीक है। इंडस्ट्री पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था, इंडस्ट्री कौन कौन सी है लौह इस्पात के संदर्भ में। दो तीन उद्योगों को हमने पढ़ लिया था, जिसमें टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का हमने अध्ययन किया, उसके बाद इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी पश्चिम बंगाल वाली उसका अध्ययन किया इसको। फिर उसके बाद एक और अध्ययन किया था हमने मैसूर वाली जो कर्नाटक में है, जिसको विश्वेश्वरय्य आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से जाना जाता है। आज कुछ और उद्योगों का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से उद्योग भारत के महत्वपूर्ण उद्योग है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इन सभी उद्योगों को नक्शे के माध्यम से भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज चौथा वाला उद्योग हम पढ़ेंगे, तीन तो हमने कल पढ़ लिए थे, अब ये चारों उद्योग जो है किसी ना किसी देश की सहायता से लगाए गए। कल मैंने आपको लिखवा भी दिया था उसको, राज दुबे वो भी रूस गए। मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको कि कौन सा उद्योग किस देश की सहायता से लगाया गया है। ध्यान रखना तीन उद्योग इसमें बोकारो को छोड़ करके 1955 में स्थापित किए गए थे, बोकारो 1964 में बाद में स्थापित किया गया था, ठीक है। उन सभी को अभी हम लिख लेंगे। बोकारो और भिलाई ये दोनों रूस के सहयोग से, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, और राउरकेला जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया जाने वाला उद्योग था। चलिए शुरू करते हैं, चौथा कौन सा था देखिए, राउरकेला। क्या नाम है इसका? राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र, ठीक है ना। राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र हमारा अगला उद्योग होगा जिसको हम पढ़ेंगे। देखिए राउरकेला उद्योग जो है ये 1955 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1955 में स्थापित किया गया है इसको, 1955 में। और किसके सहयोग से स्थापित किया गया है इसको? जर्मनी के सहयोग से, ठीक है। लिख सकते हैं आप इसको जर्मनी के सहयोग से। आप इसको जैसा पहले लिख रहे थे आप वैसा ही लिख लीजिए, या फिर इन टॉपिकों के माध्यम से इस तरीके से भी लिखेंगे तो भी आप गलत नहीं हो, ठीक है। क्योंकि परीक्षा में हमको ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइंस भरनी होती है, लेकिन तथ्य भी देने होते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि भाई कॉपी हमको भरना होता है, कॉपी के साथ साथ हमको सही बातें भी लिखनी होती है, तो इस तरीके से लिखना भी अच्छा है। और जो पैराग्राफली टाइप हम लिखते हैं, पैराग्राफ के माध्यम से पैराग्राफ बना बना करके, तो वैसा लिखना भी ठीक है, ठीक है। यहाँ केवल हम मुख्य मुख्य बिंदुओं को ही दर्शाएंगे। ये उद्योग देखिए, यह उद्योग जो है ये मुंबई और कोलकाता के लिए जो मार्ग जाता है रेल मार्ग, उस रेल मार्ग पे अवस्थित है, ठीक है। मुंबई और कोलकाता को जो रेल मार्ग जोड़ता है, उस रेल मार्ग के बीच में ओडिशा में राउरकेला पड़ता है, ये वहाँ पर इसकी स्थिति है। इस वजह से ये एक इम्पोर्टेंट उद्योग हो जाता है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा जहाँ जहाँ उद्योगों के आसपास से कोई रेलगाड़ी का ट्रैक निकलता है, उद्योगों की जो है स्थिति उतनी ही उन्नत और सुदृढ़ हो जाती है। आप कोई सा भी बड़ा उद्योग देख लीजिए, चाहे वो सीमेंट का उद्योग हो, चाहे लोहे का हो, चाहे इस्पात का हो, या किसी अन्य भारी सामान का कोई उद्योग हो, वहाँ से आपको परिवहन का कोई ना कोई साधन तो मिलेगा है। मुख्यतः वहाँ पर रेल लाइन बिछाई जाती है। अगर रेल लाइन वहाँ नहीं आ रही है तो भी स्पेशली उस उद्योग के लिए रेल लाइन बिछाई जाती है, ताकि उद्योग में बने हुए तैयार माल को बाज़ारों तक भेजा जा सके और उद्योगों तक कच्चा माल उस मालगाड़ी के थ्रू लाया जा सके, ठीक है ना। तो उद्योगों की अवस्थिति के लिए ये एक इम्पोर्टेंट कारक है परिवहन का, ठीक है। आपने कक्षा 12 में पढ़ा होगा उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें सबसे पहला कारक जो होता है उसको आपने पढ़ा होगा कि कच्चे माल की पूर्ति पढ़ा होगा आपने, फिर उसके बाद बाजार, परिवहन भी उसमें एक इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो ये सब बातें, ऊर्जा के साधन, स्वच्छ जल की आपूर्ति, मांग क्षेत्र, ये सारी चीज़ें उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक है। तो इनको आपने कक्षा 12 में पढ़ा होगा, वही परिवहन। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि परिवहन के मार्ग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी उद्योग को फलने फूलने के लिए, ठीक है। तो ये कहाँ है भाई? ये है मुंबई, कोलकाता
रेल मार्ग पर। कहाँ है ये? ओडिशा के राउरकेला में, ओडिशा के राउरकेला नामक स्थान पर इसको बनाया गया है। राउरकेला ओडिशा में स्थित है, ठीक है। इसको जो लौह अयस्क की प्राप्ति होती है वो आसपास की खदानों से हो जाती है, ठीक है। ये भी हम लिख सकते हैं। अभी मैं आपको पूरी डिटेल के माध्यम से एक चार्ट बनवाऊंगा। मैं आज अगर हमको मौका मिला, टाइम मिला, तो आज मैं उस चार्ट को बनवा दूंगा। अगर आज नहीं बनवा पाया तो कल मैं उस चार्ट को बनवा दूंगा। उसमें एक तो उद्योग के नाम होगा, उद्योग के बाद उसकी अवस्थिति होगी, अवस्थिति के बाद कहाँ से उसको लौह अयस्क प्राप्त हो रहा है, कहाँ से उसको चूना प्राप्त हो रहा है, कहाँ से उसको कोयला प्राप्त हो रहा है, और उसका मुख्य बाजार कौन सा है, ये सारी चीज़ें हम उसमें लिख लेंगे, ठीक है। अभी तो हम फिलहाल इनके बारे में मुख्य मुख्य मोटी मोटी बातें कर लेते हैं, ठीक है। लौह अयस्क, लौह अयस्क चूना पत्थर और कोयला, ये तीनों इसके लिए कच्चा माल होते हैं, ठीक है। लौह अयस्क की प्राप्ति आसपास की खदानों से इसको हो जाती है, ठीक है। ओडिशा में बहुत सारी खदानें हैं, झारखंड में हैं, यहाँ से इसको लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। एक नदी बहती है, छोटी सी नदी है शंख, और ब्राह्मणी नदी तो आप जानते हो, शंख और ब्राह्मणी नदी से इसको क्या प्राप्त हो जाता है, जल और जल विद्युत की प्राप्ति हो जाती है, जल और जल विद्युत की प्राप्ति कौन सी नदियों से हो जाती है, शंख और ब्राह्मणी नदियों से हो जाती है, ठीक है। इसको जो कोयला प्राप्त होता है वो झरिया की खान से हो जाता है, ठीक है, झरिया और बोकारो क्षेत्र से, यहाँ से क्या हो जाता है, इसको कोयले की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है ना। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है झरिया कहाँ है, झरिया कहाँ है अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा आपको, ये दिखाई दे रहा है ना। तो चलिए, इतनी बातें इसके अंदर का हमको लिखनी है। फिर इसके बाद हम देखेंगे अगला इस्पात उद्योग, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। हो गया, चलिए इसके बाद दूसरा उद्योग देखते हैं हम कौन सा है। राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र के बाद अगला उद्योग देखते हैं कौन सा है। ये जर्मनी के सहयोग से बना था 1955 को, ठीक है। 1955 कौन सा पंचवर्षीय योजना है आप देख लीजिए, कौन सी पंचवर्षीय योजना है, उसी पंचवर्षीय योजना में इसको लगाया गया था, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं हम, अगला कौन सा आएगा, अगला है पांचवा। पांचवा इसको कहते हैं भिलाई इस्पात संयंत्र, कौन सा है, भिलाई इस्पात संयंत्र। भिलाई इस्पात संयंत्र, अब देखिए भिलाई कहाँ है, आप सभी को मालूम है, परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है। जब जब आपका क्या नाम से भारत का नक्शा आएगा, उस भारत के नक्शे के अंतर्गत इन चीज़ों को पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इनको कतई हल्के में ना लें, भारत के नक्शे में भिलाई पूछा जाएगा, झरिया पूछा जाएगा, बोकारो पूछा जाएगा, मुंबई विशाखापत्तनम, ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती है, कांडला बंदरगाह अक्सर पूछा जाता है, ठीक है ना। जब से मैंने 12वीं की एग्ज़ाम दी है तब से मैं अब तक के पेपरों की बात करूँ तो मुख्यतः वो पूछता है, कुछ एक पत्तनों के नाम पूछता है, कुछ एक अधिकतर बार कुछ एक पत्तन और कोयला और लौह अयस्क क्षेत्रों के बारे में पूछता है वो, ठीक है। और उसके बाद एकाध राजधानी भी पूछ ली जाती है कभी कभी, ठीक है। 12वीं के पेपर मैंने जब से दिया था उसके बाद अब तक मैं देख रहा हूँ तो अक्सर यही पूछा जाता है, ठीक है। और हो सकता है कुछ एक सड़क मार्गों के बारे में पूछ ले कि भाई ये मार्ग कहाँ से कहाँ जाता है, नक्शे में दर्शाइए, इस तरीके से पूछ लिया जाता है। तो आप इनको नक्शे में भी हमको इनको दर्शाना है, ठीक है। तो भिलाई कहाँ है, ये आप सभी को मालूम है ये कहाँ है, ये है छत्तीसगढ़ में, ठीक है।
भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। इस उद्योग की स्थापना भी कब की गई थी गुरुजी? 1955 को। साथ साथ में तीन उद्योग लगे थे, ठीक है। 1955 को किसके सहयोग से की गई थी? आपको ट्रिक याद होनी चाहिए, राज दुबे, विकास दुबे का भाई ये, ठीक है ना। वो भी रूस गए, राज दुबे वो भी रूस गए, क्योंकि विकास दुबे को पकड़ लिया था ना, इसलिए राज दुबे भी रूस गया। तो रा से राउरकेला, जैसे जर्मनी। राउरकेला किसके सहयोग से बना है? जर्मनी के सहयोग से। दू से दुर्गापुर, बी से ब्रिटेन। दुर्गापुर किसके सहयोग से बना है? ब्रिटेन के सहयोग से। बो से बोकारो, बी से भिलाई। ये दोनों किसके सहयोग से बने हैं? ये दोनों बने हैं रूस के सहयोग से, ठीक है। वो भी रूस गए, दोनों रूस के सहयोग से बने हैं। इस तरीके से हम आसानी से एक ट्रिक के माध्यम से इसको याद रख सकते हैं। तो इसको किसके सहयोग से बनाया गया था? सोवियत रूस के सहयोग से, ठीक है, रूस के सहयोग से इसका निर्माण किया गया था। इसके बाद देख लेते हैं ये कहाँ है वास्तव में। ये है छत्तीसगढ़ जो है ना, उस छत्तीसगढ़ का एक जिला है दुर्ग। दुर्ग जिले में है ये, दुर्ग जिले से 21 किलोमीटर की दूरी पर इसको बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? भिलाई नामक स्थान पर, ठीक है। और इस भिलाई को भारत का सबसे आदर्श का मतलब क्या होता है? आदर्श का मतलब यह होता है, आप जब बड़ी कक्षाओं में जाओगे, जब आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे, एक अलग से पेपर है, ठीक है। यह आपके केवल एक पार्ट है, कह सकते हैं कि एक यूनिट में से एक चैप्टर है ये उद्योग। लेकिन जब आप एमए करेंगे तो एमए के अंदर आपको जितने भी आपको पाठ मिले हैं, जैसे आपको जनसंख्या का एक पाठ मिलेगा, जनसंख्या का एक चैप्टर मिलेगा, आपको एमए में जनसंख्या की एक किताब मिलेगी, पेपर मिलेगा पूरा, आपको जनसंख्या ही जनसंख्या का अध्ययन करना है उसमें, ठीक है। आप इंडस्ट्री अभी पढ़ रहे हैं, यानी कि उद्योग पढ़ रहे हैं, आपको एमए में एक पेपर मिल जाएगा इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, औद्योगिक भूगोल। आप नगरीकरण पढ़ते हैं तो आपको एमए में एक पेपर मिल जाएगा अर्बन ज्योग्राफी, नगरीय भूगोल। इस तरीके से आप कृषि पढ़ते हैं, आपको एक पेपर मिल जाएगा एमए में एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, कृषि भूगोल, ठीक है। तो हमारे जो चैप्टर है आगे जाकर वो एक पूरा सिलेबस बन जाते हैं। तो आदर्श शब्द का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ये आप पढ़ेंगे जब औद्योगिक भूगोल, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे आप, तो इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी के अंतर्गत एक जो है बहुत बड़ा चैप्टर चलता है, उसको कहते हैं औद्योगिक अवस्थिति के सिद्धांत। लॉश आए हैं, वेबर आए हैं, काफ़ी सारे विद्वान आए हैं, अगस्टा लॉश, ठीक है ना। उन्होंने इस संबंध में अपने अपने सिद्धांत दिए हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट है औद्योगिक भूगोल, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे विद्वानों ने औद्योगिक अवस्थिति के त्रिकोण बतलाए हैं। त्रिकोण किसको बोलते हैं? तीन कोणों को बतलाए हैं उन्होंने, बताया है कि एक कोने पे तो मान लीजिए यहाँ कच्चा माल मिल रहा है, यहाँ पर मुख्य लौह अयस्क मिल रहा है, कोयला या कुछ भी मान लीजिए, यहाँ जल विद्युत मिल रहा है, या मान लीजिए बाजार है, तो उद्योग की स्थिति कहाँ होगी? उद्योग कहाँ लगाओगे आप? बाजार के समीप लगाओगे तो आपको कच्चा माल लाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, कोयला लोहा लाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। लोह के पास लगाते हो तो कच्चा माल लाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा, बाजार में बेचने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा, यहाँ लगाते हो तो भी वही कंडीशन पैदा होती है। अब आप उद्योग को लगाएंगे तो लगाएंगे कहाँ? तो इसमें एक सिद्धांत चलता है, अधिकतम लाभ का सिद्धांत। जहाँ आपको अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती है वहीं पर उद्योग की स्थिति होगी। इसके बीच में बहुत सारे कारक भी हमको प्रभावित करते हैं, जैसे सरकारी नीतियाँ होती है, कुछ क्षेत्रों में आप उद्योग लगा ही नहीं सकते, आपको अनुकूलतम स्थान लगता है कि यहाँ उद्योग अगर लगाया जाएगा तो हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो सरकारी कुछ नीतियाँ होती है कि भाई इस क्षेत्र में आप उद्योग नहीं लगा सकते, ये रिको एरिया नहीं है, कहते हैं ना, जैसे जयपुर में दुर्गापुरा है और सांगानेर है, ये एक रिको एरिया के अंतर्गत आते हैं। जितने भी उद्योग आपको मिलेंगे सांगानेर के आसपास मिलेंगे, ठीक है।
तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता। जयपुर में आपको मान लीजिए लोहा जयपुर में आपको मिल रहा है, कोयला आपको जयपुर में मिल रहा है और बाज़ार भी जयपुर में ही है, तो आप उद्योग को जयपुर में लगाना पसंद करेंगे ना भाई। लेकिन सरकारी नीतियाँ होती हैं, वहाँ नहीं लगा सकते हम। तो इस संदर्भ में औद्योगिक त्रिकोण वाला नियम कार्य करता है। तो आपको सबसे बेहतर स्थान जो आपका होगा वो उद्योग लगाने का सबसे बेहतर स्थान होगा आपका सेंटर में, बीच में। यहाँ से ये भी ज़्यादा दूर नहीं है, ये भी ज़्यादा दूर नहीं है और ये भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो ऐसे कुछ सिद्धांत दिए हैं कुछ लोगों ने, उसको औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत पढ़ी जाती है। तो इसी के कारण बता रहा है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो भिलाई इस्पात उद्योग है ये सबसे आदर्श कारखाना है। आदर्श का मतलब ये हुआ कि ये ऐसी स्थिति पर लगा हुआ है, यहाँ से कच्चा माल भी आसानी से प्राप्त हो जाता है, लौह अयस्क कच्चा माल, कोयला, जल विद्युत गृह और साथ ही साथ परिवहन के साधन और बाजार। बाजार इसका क्या है, भिलाई छत्तीसगढ़ का बाजार कौन सा है सबसे बड़ा, कोलकाता, ठीक है। वहाँ कोलकाता पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, 200-300 किलोमीटर दूर ही है, तो आसानी से वहाँ पर ले जाया जा सकता है। कोयला आसपास की खदानों से आ जाता है, लोहा आसपास की खदानों से आ जाता है, इसलिए इस उद्योग की स्थिति सबसे आदर्श मानी गई है, ठीक है। आदर्श और सफल कारखाना है, ठीक है। इसको लौह अयस्क की प्राप्ति और कोयले की प्राप्ति आसपास से हो जाती है। लौह अयस्क वैसे जो कच्चा लोहा होता है, लोहा इसको कहाँ से मिल जाता है, कच्चा लोहा लिखना आप उसको, डल्ली राजहरा की खानों से मिल जाता है। डल्ली राजहरा की खानों से मिल जाता है। अब आप देखना डल्ली राजहरा मैंने लिखा है आपको, जब मैंने आपको अयस्क पढ़ाए थे यानी कि खनिज जब पढ़ाए थे तब मैंने आपको ये सब लिखाया था, ठीक है। उत्तम किस्म का कोकिंग कोयला, ये इसको मिलता है, उत्तम किस्म का कोकिंग कोयला इसको मिलता है कोरबा से, ठीक है। रिवाइज कर लेना आप, ये सारी चीज़ें कहाँ हैं, डल्ली राजहरा कहाँ है, कोरबा कहाँ है, ठीक है। जल विद्युत इसको मिल जाता है कोरबा तापीय संयंत्र से, कोरबा विद्युत गृह, तंदुला नहर, यहीं से इसको क्या मिल जाता है, जल विद्युत की प्राप्ति हो जाती है। और ये आपको याद रखना है, इसके बारे में इतनी सी चीज़ें हैं, ज़्यादा चीज़ें इसके बारे में नहीं है, ठीक है। तो ये 1955 में स्थापित किया गया, रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ में है, भारत का सबसे आदर्श सफल कारखाना है। लोहा इसको डल्ली राजहरा कहने से, उत्तम किस्म का कोकिंग कोयला कोयला कोरबा से, जल विद्युत कहाँ से मिलती है, कोरबा और तंदुला की नहर से यहाँ से मिल जाती है, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रह जाएगी। फिर इसके बाद देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर इसके बाद है अगला, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, ठीक है। वो कहाँ है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ये है आपका पश्चिम बंगाल। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है पश्चिम बंगाल, रानीगंज जो खान है उसके पास में, ठीक है। पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये छठा है, ठीक है। इसको भी स्थापित किया गया था, वो किया गया था 1955 में। अब दुर्गापुरा है तो इसको किसके सहयोग से ले गए, राज दुबे, किसके सहयोग से, ब्रिटेन के सहयोग से, ठीक है। रानीगंज की जो खान है, कोयले की सबसे बड़ी खान है, ठीक है, रानीगंज की खदान से इसको क्या मिल जाता है, कोयले की प्राप्ति
हो जाती है। अब कुछ लोगों के दिमाग में सवाल आता है कि सर कोयला क्या लेने चाहिए लौह इस्पात उद्योग में। देखिए कोयला कोई सा भी उद्योग हो वहाँ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है ना। कोयला ये वाला नहीं लकड़ी वाला, मैंने आपको पहले बताया था कोयला पत्थर होता है, ठीक है, और वो बहुत दिनों तक जलता रहता है, उसकी मियाद होती है कई दिनों तक जलने की, ठीक है। अगर आप उसमें जल भी नहीं रहा हो, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है कि भाई जल रहा है, लेकिन उसके अंदर से वो धधकता रहता है, ठीक है ना। कोयले का जो आग है अंदर से वो धधकता रहता है, ऊपर से जाए आपको जो है बुझा हुआ मिले अंदर से वो धधकता रहता है, कई दिनों तक उसकी ऊष्मा रहती है। तो वो वाला कोयला यहाँ पे काम में लिया जाता है, वो वाला छोटा नागपुर के आसपास और पश्चिम बंगाल में भी कुछ मात्रा में मिलता है, तो वहीं से कोयले की उत्पत्ति की जाती है, खदान निकाला जाता है, ठीक है। तो कहाँ से निकलता है कोयला? रानीगंज की खान से इसको कोयला मिल जाता है, झारखंड से भी कुछ मात्रा में मिलता है, जल विद्युत इसको मिल जाता है दामोदर नदी से। जल विद्युत कहाँ से मिल जाता है? दामोदर नदी परियोजना से। यहाँ से क्या मिल जाता है भाई इसको? यहाँ से मिल जाता है इसको जल विद्युत। और इसके बाद इसको जो लोहा मिलता है वो मिलता है नोहा मंडी और गुआ की खानों से। नोहा मंडी की खानों से इसको क्या मिल जाता है? लोहा मिल जाता है। इसके अलावा ये जो है पत्तन की सुविधा रखता है अपने लिए, इसके लिए सबसे बड़ा बाज़ार कौन सा है? कोलकाता, ठीक है। कोलकाता इसके लिए सबसे बड़ा बाज़ार है, पत्तन भी है, इसलिए इसका निर्यात यहाँ से कर दिया जाता है, ठीक है। कोलकाता बाज़ार भी है इसके लिए और क्या है पत्तन भी है, यहाँ से इसका निर्यात भी कर दिया जाता है और बाज़ार में खपत भी इसकी हो जाती है, ठीक है। देखिए जितने भी उद्योग है आपको कई किताबों में उसमें वो भी मिलेगा भाई यहाँ पर इसका निर्माण किया जाता है, यहाँ पे इसका निर्माण किया जाता है। लगभग सभी उद्योगों में जो लौह इस्पात उद्योग है वहाँ रेल की पटरी, रेल के डिब्बे और इसके अलावा चद्दर और गेट, दरवाजे, बड़े बड़े जो लोहे की रेलिंग आती है उन सभी का वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। बर्तन भांडे ये सब कुछ वहीं पे बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, बार बार में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप समझ जाना। जब इसका वर्णन करने लगो आप परीक्षा में तो आप इन सारी चीज़ों को लिख सकते हैं, क्या क्या बनाए जाते हैं लोहे से, इन सभी उद्योगों से वही चीज़ें बनाई जाती है, ठीक है। अक्सर आप लिखोगे इसमें रेल की पटरियाँ, रेल के कोच, बसें, ट्रक और इसके अलावा लोहे की चादरें ज़रूर लिखना, ठीक है ना। सभी उद्योगों से लगभग लोहे की चादरें तो बनाई जाती है, रेल की पटरियाँ भी लिख सकते हैं आप, ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। इसके बाद ये देश का सबसे बड़ा उद्योग है लौह इस्पात उद्योगों में, बोकारो इस्पात संयंत्र, ये सातवें नंबर पर है। बोकारो इस्पात संयंत्र ये देश का सबसे बड़ा उद्योग है, ठीक है। 1900 ये कहाँ है? बोकारो झारखंड में। कहाँ है ये? झारखंड में। कब बनाया गया था गुरुजी ये? गुरुजी ये बनाया गया था 1964 में। किसके सहयोग से बना गुरुजी? ये बना रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से बना? रूस के सहयोग से। ये देश का सबसे बड़ा लौह इस्पात उद्योग है, ठीक है। देश का सबसे बड़ा क्या है ये भाई? लौह इस्पात उद्योग है, ठीक है। इसको जो लौह अयस्क है वो आसपास की खदानों से मिल जाता है, और कोयला भी समीपवर्ती क्षेत्रों से ही मिल जाता है। ठीक है, इसलिए इसकी स्थिति भी क्या है? आदर्श स्थिति में भी है। ये भी क्या है? देश का ऐसा उद्योग है जो आदर्श स्थिति में है। ये चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1964 में बनाया गया था रूस के सहयोग से। ये इतनी बातें हैं इसमें जो
लिखनी है हमको। फिर इसके बाद देखेंगे हम इसको नक्शे के माध्यम से, या फिर एक दो चार उद्योग और है उनको भी हम देख लेते हैं। इसके बाद देखिए देश के अन्य उद्योगों में एक उद्योग आप लिखिए विशाखापत्तनम वाला, ठीक है, जिसको विशाखापत्तनम उद्योग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक विशाखापत्तनम में है विशाखापत्तनम, ठीक है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये देश का एक ऐसा उद्योग है जो तटीय क्षेत्र में है, ठीक है। देश का पहला तटीय कारखाना है ये उद्योग का, लोह इस्पात का तटीय कारखाना देश का पहला है, ठीक है। कहाँ है ये? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। विशाखापत्तनम बंदरगाह है, बंदरगाह पत्तन के करीब भी एक ही एकमात्र है ये, बिल्कुल पत्तन पर ही है। इसके बाद एक और है जिसको कहते हैं हम सलेम, और ये सलेम है तमिलनाडु में। कहाँ है सलेम? तमिलनाडु में। और इसको जो मिल जाता है नेवेली क्षेत्र से मिल जाता है इसको कोयला। विशाखापत्तनम हो गया, सलेम हो गया, और एक उद्योग है जिसको विजयनगर के नाम से जाना जाता है। क्या? विजयनगर हॉस्पेट। ये है कर्नाटका में, ये एक निजी क्षेत्र में है, जिंदल इंडस्ट्री के अंतर्गत है। तो ये तीन उद्योग और आप लिख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, मैंने आपकी इसकी लोकेशन बतला दी, ठीक है। चलिए, विशाखापत्तनम है, सलेम तमिलनाडु है, और विजयनगर कर्नाटक। अब हम भारत का नक्शा बनाते हैं और उसमें इन उद्योगों को दर्शाते हैं। कल मैं आपको सारणी भी बनवा दूंगा, ठीक है, सारणी बनवा दूंगा, उसके अंतर्गत सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो बनाइए आप चित्र, बनाइए भारत का नक्शा, बनाइए नक्शा। चलिए हम भारत का नक्शा बना देते हैं। नक्शा बनाना तो उम्मीद है आप सभी मुझसे भी अच्छा सीख गए होंगे, ठीक है। ये हमारा भारत का नक्शा है, अच्छा सा बना है, ठीक बना है, ठीक है। अब देखिए इसके अंतर्गत कितने सारे उद्योग हैं, उन सभी को हमको दर्शाना होगा। तो उद्योगों को दर्शाते हैं हम, उसके लिए मैं दूसरे कलर के पेन का इस्तेमाल कर लूँगा। तो देखिए सबसे पहले हमने जो उद्योग बताया है आपको वो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, वो है भिलाई में, ठीक है। भिलाई यहाँ आ जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है, इसको लिख देंगे हम भिलाई। ये है टिस्को का कारखाना, दिखाई दे रहा होगा आपको, और ये है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। फिर इसके बाद हमने आपको बताया था इसको, किसका बताया था? इसको का कारखाना, और वो है आपका यहाँ पर, यहाँ पर कर लीजिए आप उसको। ये है हीरापुर, बर्नपुर और कुल्टी, कुल्टी, हीरापुर, बनपुर, और ये है इसको का कारखाना IISCO, ये है पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल। दिखाई दे रहा है ना आपको गुरुजी? दिखाई दे रहा है आपको, बताया जाओ। फिर इसके बाद तीसरा मैंने आपको बताया था विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, वो है यहाँ पर कर्नाटका में, ठीक है। विश्वेश्वरैया, ठीक है, इसको कहते हैं विस्को या VISL कर्नाटक, ठीक है।
इसके बाद भद्रावती में है ये, ठीक है ना, भद्रावती। फिर इसके बाद तीन हो गए, इसके बाद मैंने आज आपको बताया है राउरकेला ओडिशा में, ठीक है ना, राउरकेला ओडिशा में। तो ये राउरकेला ओडिशा, राउरकेला ओडिशा, ठीक है, ये ओडिशा है। आपको लोकेशन तो मालूम होनी चाहिए भाई, कौन सा राज्य कहाँ है, नहीं तो फिर सारा गड़बड़ा है मामला, ठीक है। छत्तीसगढ़ ये हो गया, फिर इसके बाद राउरकेला ओडिशा के बाद मैंने आपको बताया है भिलाई हो गया छत्तीसगढ़, अच्छा भिलाई टिस्को, भिलाई टिस्को नहीं, ये तो गलत हो गया, भिलाई टिस्को गलत हो गया, भिलाई में थोड़ी टिस्को का कारखाना, वो तो है साकची में, कहाँ है साकची, जमशेदपुर और छत्तीसगढ़ नहीं है, वो झारखंड में है, ठीक है, ये तो गलत कर दिया हमने, तो इसको क्या है दोबारा से हमको सही करना अब पड़ेगा। टिस्को का कारखाना, सॉरी मैं गलती कर गया, टिस्को का कारखाना यहाँ है, झारखंड यहाँ है, ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए यहाँ, ये है टिस्को का कारखाना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, साकची जमशेदपुर झारखंड टिस्को, ये लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ है ये आपका भिलाई वाला, ठीक है, ये भिलाई, ये है छत्तीसगढ़ में, ये टिस्को का नहीं है भाई, ठीक है, टिस्को हो गया, विस्को हो गया और इसको भी हो गया, एक दो तीन चार पाँच हो गए। छठा मैंने आपको बताया था बोकारो, बोकारो भी कहाँ है, झारखंड में, तो बोकारो भी झारखंड में है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम इसको, कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर बोकारो, और ये कहाँ है झारखंड में, ठीक है, बोकारो झारखंड हो गया। इसके बाद मैंने आपको कौन सा बताया था, दुर्गापुर, कौन सा बताया है, दुर्गापुर, तो वो दुर्गापुर है, दुर्गापुर भी यही है, दुर्गापुर आप यहाँ कर दीजिए, ये दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, ठीक है, इनकी स्थिति ऊपर नीचे हो सकती है वो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन हमको दर्शाना पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। तो दो तीन पाँच और दो सात और एक कौन सा बाकी है, भिलाई हो गया, राउरकेला हो गया, दुर्गापुर, बोकारो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और एक कौन सा रह गया, सात ही तो बतलाया मैंने आपको, ठीक है, एक कौन सा रह गया भाई, इसको हो गया, टिस्को हो गया, दुर्गापुर हो गया, और एक कौन सा रह गया, एक रह गया है आपका, कौन सा रह गया, सलेम वाला लिख लेते हैं, चलिए अभी याद आ जाएगा कौन सा है वो, सलेम, सलेम है तमिलनाडु में। इसके बाद एक और है यहाँ पर कर्नाटका में, वो है विजयनगर हॉस्पिटल, विजयनगर ये कर्नाटक में, ठीक है। इसके बाद एक यहाँ है आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम, ये है आंध्र प्रदेश में, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ये दस कारखाने हैं, दस के दस मैंने आपको लिखा दिए, ठीक है, दस के दस कारखाने मैंने आपको लिखवा दिए हैं, तीन मैंने आपको कल लिखवाए थे और चार मैंने आपको आज लिखवाए, यानी कि सातों कारखाने जो हो गए, तीन मैंने जो कल आपको लिखाए थे, टिस्को लिखाया था, कुल्टी वाला लिखाया था और विश्वेश्वरैया लिखाया था, आज जो मैंने आपको चार लिखाए हैं, भिलाई, राउरकेला, बोकारो और ये दुर्गापुर, ठीक है। इस तरीके से सातों कारखाने हमारे हो गए हैं और तीन कारखाने मैंने एक्स्ट्रा लिखाए थे, सभी कारखाने यहाँ पर हो गए हैं। ये है भारत के लौह इस्पात संयंत्र, ठीक है, लौह इस्पात संयंत्र, उत्तर दिशा दिखा दीजिए,
और उत्तर दिशा दिखाने के बाद आपको कुछ नहीं करना, ये इंडेक्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमने अलग अलग प्रकार के तो बनाए हैं नहीं, एक ही प्रकार के हैं सभी। तो इस तरीके से ये भारत के उद्योग है। उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आई होगी सारी चीज़ें। मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अच्छी तरीके से, ये लीजिए आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट।